हाँ साथियों, आज यह समा फिल्म कैसेट कंपनी की ओर से आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा बुलंद करने के लिए पार्टी गीत आप लोग के बीच में भेजता हूं मित्रों। आज आप लोग का प्यार और आशा विश्वास पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का यह गीत भेज रहा हूं और देश और पूरा उत्तर प्रदेश बिहार हर जगह से एक ही आवाज आ रहा है मित्रों। क्या आ रहा है? और इस देश के लिए मात्र एक ही नाम चाहिए, वह नाम कौन सा है मुरली बाबू? कौन? अरे नायक पर ना बाबर नहीं अरे लौटी चाहिए तो भैया देश बचावे खातिर फिर से मोदी चाहिए। आखिर मोदी जी के कहे चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कभी देशद्रोही नारा नहीं लगा सकती है साथियों। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के प्रति खिलवाड़ नहीं कर सकती है साथियों। कभी जात पात की भेदभाव नहीं रखती है साथियों। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को बार बार इस हिंदुस्तान में आना जरूरत है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी कभी लोकतंत्र को खतरा नहीं मानती है साथियों। जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, लेकिन कहना है मोदी जैसन पीएम केहू बने न पाई भाई। भैया पप्पू गप्पू जैसन धर्म विरोधी ना चाहिए। तो भैया पप्पू गप्पू जैसन भैया जी 45 से लेके 50 साल तक हर युवा वर्ग से लेके हर भारत के जनता के साथ लूटने का काम किया कांग्रेस पार्टी। आज वह हमारे ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लक्षणा लगा रही है मित्रों, जिनकी पूरी खानदान इस हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। आज यह सवाल है पूरे भारत की आप सब सम्मानित जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज भी अपने लिए कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई अपने रिश्तेदारों को नौकरी, कोई नेतागिरी आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया मित्रों। मोदी जी जो है आज उनकी माँ ऑटो से जो है कि अपना आना जाना करती हैं, जहां भी आना जाना होता है मित्रों। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री को इस बेईमानों ने आज घोटाला दिखा रहे हैं, बेईमान बना रहे हैं, तमाम अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लूट लूट के खैलत भैया देश के सगरो खा जाना। तो भैया जड़ से मिटाव ऐसा ना ही रोगी चाहिए। तो भैया जड़ से मिटाव ऐसा ना ही रोगी चाहिए। भैया जड़ से मिटाव ऐसा ना
बा काहे ऐसा रोगी ना चाही ते कांग्रेस पार्टी के जौन बा जड़ से उखाड़ के आप लोग फेंक दे जा ए नाते कि जवान 70 साल के अंदर में विकास ना कर पौलस आज 5 साल के सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी से हिसाब मांग रहा मित्रों जो इस भारत को 70 सालों से लूटने का काम किया आज वह मोदी जी को लछना लगा रहा मित्रों। एक बड़ी ऊंची बात हमें गीत से बताओ थे करवा ना दी चार भैया तेसर सातल जाई खातिर मोदी और योगी चाही करण में पिजत खातिर मोदी मोदी चाही चाही भैया देश बचावे खातिर फिर से मोदी चाही ए भैया अगर हिंदुस्तान के बचावे के बाद ए देश के चुट्टन से आप सबसे निवेदन बा भारतीय जनता पार्टी को जिताना है मित्रों और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से 2019 में पीएम बनाना है लेकिन कहना है सबसे कई समझा के भैया बात क जानी भूलैया ए भैया ए भारत के आप सभी सम्मानित हमारे नागरिक बंधुओं से आग्रह मैं करता हूँ आप किसी के झांसे में मत पड़िएगा पप्पू गप्पू के झांसे में मत पड़िएगा साथियों जो आज तमाम इस देश का हर धन लूटने का काम किया कांग्रेस पार्टी और जो भी आज पूर्वांचल में एक हवा चला है बुआ और बबुआ इन लोगों से आप बच कर रहिएगा साथियों हर लोग घोटाले में है और जो घोटाले में नहीं है उसको लोग बार बार जो है कि अंगुली उठाने का काम कर रहे हैं सबसे कई समझा के भैया बात क जानी भूलैया अरे तू हजार समा फिर से अरे फूल बटन दबैया तो गावे श्याम देव सहानी पीएम मोदी चाही तो गावे श्याम देव सहानी पीएम मोदी चाही मोदी चाहिए।